हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वी आर क्वेर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है, यानी कि गे मैरिज। भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए बार बार चर्चा होती रहती है। समलैंगिक विवाह को सेम सेक्स मैरिज भी कहते हैं, जिसमें एक लड़का लड़के से और एक लड़की लड़की से शादी कर सकती है। इस साल स्विट्जरलैंड के मान्यता देने के बाद अब टोटल कुल मिला के ऐसे 32 देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि समलैंगिक विवाह को हमारे देश में भी मान्यता मिले और आप चाहते हैं कि कहां जाकर के आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि लव इज़ लव और प्यार की हमेशा जीत होती है। तो जानते हैं ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर शादी वैलिड है। सबसे पहली कंट्री है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो सेम सेक्स मैरिज को परमिशन मिला था वो था आपका सन 2000 में। इसी तरीके से अगला है बेल्जियम। बेल्जियम को सन 2003 में यहाँ पर सेम सेक्स को मान्यता दे दी गई। अगली कंट्री है कनाडा। कनाडा का नाम आप बहुत सुनते होंगे। यहाँ भी सेम सेक्स मैरिज लीगल है, जहाँ धूमधाम से लोग शादी को सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादातर इंडियन वहीं शिफ्ट हो जाते हैं जो कम्युनिटी के हैं, और वहाँ पर शादी करके फिर अच्छे से जीने लगते हैं। अगली आपकी कंट्री है स्पेन। स्पेन में सन 2005 में यहाँ पर लीगल कर दिया गया। अगली कंट्री है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी सेम सेक्स मैरिज लीगल है। यहाँ पर सन 2000 में इसको लीगलाइज कर दिया गया। अगली आपकी कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे में सन 2008 में लीगल कर दिया गया। तो आप नॉर्वे में भी आपको सेम सेक्स मैरिज देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे ये क्राइम नहीं है। वैसे तो हमारे इंडिया में भी ये क्राइम अब नहीं रहा है, जब से सेक्शन 377 हटा दिया गया है। तो अपने मर्जी से, दोनों के आपसी सहमति से आप रह सकते हैं। पर विवाह अभी तक लीगल नहीं हुआ है, पर आप अपने पार्टनर के साथ में रह सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पब्लिक प्लेस ना हो। अगली आपके इसी तरीके से कंट्री है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा देश है जहां सन 2009 में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया। तो दोस्तों, जो लीगलाइज जो हो रही है चीज़ें, इसका मतलब है कि हम कितने पहले से लड़ रहे थे, तब जा कर के यहाँ पर जो ये जो कंट्रीज़ है जहाँ पर हमारे जैसे और भी लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की और आज वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने परमिशन दे दिया। अगली कंट्री है कि हम बात करेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सन 2010 में यहाँ पर लीगल हो गया। यहाँ पर आप जाके जब भी जाएंगे देखेंगे कि कपल्स फ्रीली घूम सकते हैं, और वहाँ पर ऐसे नहीं देखा जाता कि अरे हमने क्या देख लिया, वहाँ पर गे कपल होना भी नॉर्मल ही है। इसी तरीके से अगली कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल में भी सन 2010 में लीगलाइज कर दिया गया था सेम सेक्स को, तो यहाँ पर भी गे मैरिज अलाउड है। अगला कंट्री है आपका आइसलैंड। आइसलैंड में भी सन 2010 में सेम सेक्स मैरिज को परमिशन मिल गया था, है ना। अगली आपकी कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क भी एक कंट्री है जहाँ पर आपको सेम सेक्स मैरिज देखने को मिलता है, जहाँ पर ये कानूनन जुर्म नहीं है। सन 2012 में यहाँ के कानून ने इसको पारित कर दिया था कि आप अपने सेम सेक्स से शादी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने सेम सेक्स के प्रति शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अगला कंट्री है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील को सन 2012 में यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज एक्ट को लागू कर दिया गया। अगली आपकी कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे में सन 2013 में ये आपका कानून आया कि हम सेम सेक्स कर सकते हैं। अगली कंट्री अगर हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सेम सेक्स कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सन 2013 में यहाँ पर भी परमिशन मिल गया था। अब अगली कंट्री हम देखते हैं जो कि है इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड बहुत ही पावरफुल कंट्री में से एक है इंग्लैंड, जहाँ पर सन 2013 में यहाँ पर लीगलाइज कर दिया गया और लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने दिया गया। और अभी वहाँ पर गे कपल्स फ्रीली अपने उनके गे कपल्स के ऐसे मैट्रिमोनी साइट्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से एक समाज के साथ जुड़ करके लोग रहते हैं। तो सन 2013 में भी इंग्लैंड ने क्या किया, यहाँ पे लीगलाइज कर दिया। अगली हम कंट्री की बात करें तो वो है फ्रांस। फ्रांस में 2013 में लागू हुआ। उसके बाद हम अगली कंट्री की बात करें तो वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में सन 2014 में यहाँ पर एक्ट को पारित किया गया। अगली हम कंट्री की बात करें तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में सन 2014 में ही परमिशन मिला कि सेम सेक्स शादी कर सकते हैं। वैसे तो
ये सब बहुत पहले की लड़ाई होती है। हम लड़ते जाते हैं, हम कानून को बताते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, तब जाके हम जैसे लोगों को यहाँ पे मान्यता मिलती है। तो मैं दोस्तों से ये भी अनुरोध करूँगा कि जब भी प्राइड परेड होता है या कभी भी मौका मिलता है अपने आप को हमारी कम्युनिटी को दिखाने का, शो करने का, तो आप घबराए नहीं, जाए। अब तो हमारे देश में भी ऐसा कानून नहीं है कि हमें क्रिमिनल की तरह देखा जाए। अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं, और अगली कंट्री है आपका अमेरिका। अमेरिका बहुत सबसे शक्तिशाली देश है, वहाँ के भी लोग बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही समझदार हैं। और यहाँ पर सन 2015 में सेम सेक्स को लीगल घोषित किया गया है। अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं, और अगली कंट्री आपका है आयरलैंड। यहाँ सन 2015 में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ना। अगली कंट्री है आपका फिनलैंड। फिनलैंड में सन 2015 में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया था। उसके बाद अगली कंट्री है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को सन 2015 में लीगलाइज किया गया था, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर लीगल है। अगली कंट्री है हमारा कोलंबिया। कोलंबिया कंट्री, यहाँ बहुत टाइम लगा, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पर भी, लेकिन सन 2016 में फाइनली यहाँ पर भी जो कानून है वो लागू हो गया कि शादी कर सकते हैं। अगली कंट्री है हमारा माल्टा। माल्टा सन 2017 में यहाँ पे सेम सेक्स को लीगल कर दिया गया। और उसके बाद अगली कंट्री हमारा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत ही अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के, अभी से नहीं, बहुत पहले से। और यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन भी अब शादी कर सकते हैं। पहले भी ये रहते थे कपल, इनके बहुत पुराने स्टोरीज हैं। तो फाइनली यहाँ पर भी 2017 में लीगलाइज कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द इंडिया में भी ये चीज़ें हों। तो आप हमेशा एक्टिव रहा करिए हमारी कम्युनिटी को लेकर के, और पॉजिटिव मैसेज जितना हो सके उतना कन्वे किया कीजिए, क्योंकि हमारा जो वी आर क्वेयर चैनल है बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत वीडियोज आपके लिए लेके आता है। चलिए आगे अगले कंट्री की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली कंट्री है जर्मनी। जर्मनी सन 2017 में यहाँ पर भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। अगली कंट्री आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में भी सन 2019 में, यानी कि रिसेंटली ही, लीगलाइज किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो अगली कंट्री है ताइवान। सोचिए, ताइवान जैसे शहर में, ताइवान जैसे कंट्री में, वहाँ पर भी सेम सेक्स लीगल है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे जैसे। ऐसे बहुत ही ऐसी हमारी एक कम्युनिटी है पूरी, जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए अगली कंट्री देखते हैं कौन सी है। अगली कंट्री है हमारा इक्वाडोर। इक्वाडोर, वो भी सन 2019 में भी यहाँ पर सेम सेक्स को मान्यता मिली। अगली कंट्री है हमारा नीदरलैंड, है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पर भी सन 2019 में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली कानून को मानना पड़ा कि जब दो अपनी सहमति से प्यार से रहना चाहते हैं तो रहने दो ना। तो फाइनली यहाँ पर कानून मान गई, और यहाँ पे लोगों को अब अपनी इच्छा से शादी करके रहने दिया गया। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो यार पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम। चलिए अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगली कंट्री है कोस्टारिका। कोस्टारिका सन 2020 में, यानी कि रिसेंटली। तो देखिए, आपने पूरा वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखा होगा तो आपने पता चला होगा कि पहले किस कंट्री को मिला, फिर किस कंट्री में लीगल हुआ, ऐसे करते करते। तो सन 2020 में कोस्टारिका ने फाइनली ये घोषित कर दिया कि यहाँ पे अगर आप लड़की हो तो किसी लड़की से शादी कर लो भाई, हमें क्या करना। ठीक उसी तरीके से अगर आप लड़के हो तो लड़के से कर लो भाई, हमें क्या करना, आप किस कमरे में क्या कर रहे हो। प्राइवेसी तो वैसे स्ट्रेट लोगों के भी होती है कि आप कमरे में करो, रोड में तो किसी को भी करना लीगल नहीं है, स्ट्रेट भी रोड पे नहीं करते भाई, गे भी नहीं करते, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से लीगल चीज़ है, हमारी कंट्री में भी धीरे धीरे आएगा। चलिए आखिरी कंट्री है आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ तो जाना बनता है। तो आप जाइएगा अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर गे मैरिज बिल्कुल लीगल है। आप लड़के हैं तो किसी लड़के के हाथ को थाम करके चलिए, किस करिए, घूमिए, मस्ती कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको लोग नॉर्मल जैसे लोग होते हैं उसी तरीके से ही देखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो वी आर क्वेयर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो ना। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए हमें बताइए, हम वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत ही सुंदर सुहाने, जिस टॉपिक पर बोलेंगे उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, सब पे वीडियो लाएंगे। बस अब बताइए आपको किस पे वीडियो चाहिए। लव इज़ लव, हैव अ गुड डे।